ऐसी हालत हो गई है, ऐसा लग रहा शादी से वापस आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मुझे जाना है शादी में, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था मैं पूरी तैयारी कर रही थी। तो आज फाइनली वो दिन आ गया, ऑफिस आके मैंने खाना वगैरह बना लिया है, अब मैं रेडी हो रही हूँ। रेडी होने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। अब मैं हो चुकी हूँ फाइनली रेडी और ये है मेरा फाइनल लुक। आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और हाँ, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, साथ में मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं के दोस्त की बहन की शादी है। तो मिलती हूँ आप लोगों से शादी में। हमने मेट्रो से जाने का प्लान तो बना लिया पर एंड में जाके इस कार्ड ने हमें धोखा दे दिया। इसलिए आप भी मेट्रो कार्ड के भरोसे ना रहें क्योंकि ये कभी भी धोखा दे सकती है। आज हमने इवेंचुअली सेम कलर के कपड़े पहन लिए जो कि काफी अच्छा लग रहा है। इस साड़ी ने मुझे अलग परेशान कर रखा था। होगा मेरे जैसा शादी में जाने से पहले खा के जा रही हूँ, भूख लगी थी, क्या कर सकते हैं। फाइनली 2.5 घंटे का लंबा सफर तय करके हम शादी के लोकेशन में पहुंच गए, अमार्ता बैंक्वेट में। ये है दी और जेजू का नाम जिनके यहाँ शादी है। और जैसे ही हमने बैंक्वेट में एंट्री किया, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा सुंदर, यहाँ हमने कुछ फोटोज भी क्लिक कराई, ये आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैंने मलाई कोफ्ता खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी था। बहुत कुछ खाने के बाद अब मेरा मन था कुछ पीने का, तो यहाँ हस्बैंड दो जूस लेके आए थे जिसमें से मुझे एक पसंद नहीं आया। पाव भाजी खाने के बाद मैं मिली अपने हस्बैंड के पुराने दोस्तों से, जिसके एक का नाम सुजीत और दूसरे का नाम मनीष था। ये बहुत पुराने दोस्त थे और मैं इन्हें काफ़ी टाइम से जानती हूँ। इनसे मिली और पुरानी बातें ना हो और मेरे पेट में दर्द ना हो, हंस हंस के ऐसा हो ही नहीं सकता। जो इतना सब खाया था उसे पचाने के लिए मैंने यहाँ पे गोलगप्पे का पानी पिया। यहाँ पुरानी बातें हंसी मजाक चल ही रहा था कि इतने में आ चुके थे बाहर बारात। बराती को डांस देख के भाई मुझे तो बड़ा मजा आया। रात के 11 बजे बारात आया था जो कि काफी लेट था हमारे हिसाब से। प्रॉपर गढ़वाली तरीके से बरातियों का स्वागत किया गया। रात के बज गए थे 11:30 और इस टाइम पे भूख लगना तो स्वाभाविक ही था। तो वहाँ पे इंडियन और चाइनीज दोनों ही था, हमने इंडियन फूड पे फोकस किया क्योंकि इंडियन फूड इज बेस्ट। लेट होने के कारण हमने सोचा कि आंटी को ही गिफ्ट देके हम निकल जाते हैं, बट आंटी ने बोला कि चलो तुम्हें दीदी से मिलवा के लेके आती हूँ। हमने सोचा जब इतने देर रुक ही गए थे थोड़ी देर और सही, आंटी हमें सबको लेकर गई दीदी से मिलवाने के लिए। वहाँ दीदी को गिफ्ट दिया और उनके साथ कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करवाई। दीदी बहुत ही प्यारी लग रही थी। हम निकल ही रहे थे कि इतने में दीदी की एंट्री होती, सोचा अब एंट्री और जयमाला देख के ही चलते। दी और जीजू की जमानत देखकर मैं इमोशनल हो गई और मुझे मेरी शादी के दिन मुझे याद आ गए। पूरे शादी तो नहीं देख पाए क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे, कैब ऑलरेडी बुक कर लिया था। जमाला देखा हमने कैब में बैठे हस्बैंड के दोस्तों को, बाय किया और घर आए। वापस कैसे जाऊंगी, दिमाग खराब हो गया, भारी भारी इयररिंग पहन के ऐसे लग रहा है कान नीचे गिर जाए। यही उतार देते, प्लान था हमारा 10 बजे